खड़गे के ऊपर तो तमाम सियासी दल आरोप प्रत्यारोप इस तरह का कुछ भी बोल सकते हैं, अगर मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती हैं तो उनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप किसी दूसरे सियासी दल की लगाने की कोई हिम्मत नहीं होगी। और आज भी आप माने चाहे ना माने, दलितों में मायावती का क्रेज है और टाला जा रहा है, और मुझे लगता है तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि ये भी पता है कि अगर आचार संहिता लगने के बाद मायावती को इस प्रकार की घोषणा करनी है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत पड़ेगी कि उनका अध्यक्ष को इस तरह की बात करें। तो इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे तमाम बातें तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया की या किसी मीडिया के हम जैसे पत्रकार के दिमाग की उपज होती तो अभी तक इस पे खंडन आ चुके होते पार्टियों की तरफ से। मायावती का चुप्पी साधना, कांग्रेस का चुप्पी साधना, अखिलेश का कुछ नहीं बोलना और सीटों का घोषणा नहीं होना, ये जताता है कि इस खबर में दम है। तो उत्तर प्रदेश के बाहर आज भी मायावती का क्रेज कोई कम नहीं है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरी जगह भी देखें, भले ही वोट फीसदी कम रहा है लेकिन मायावती का फीसद वोट हर स्टेट में है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस खबर को लेकर सत्ते में है। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों से बात कर रही है, उनको साध रही है, उनको एनडीए में साथ ले रही है। यहाँ पे ये भी बात आती है, तमाम विश्लेषक इस बात का भी जिक्र करते हैं कि एक और प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 के पार, और फिर आप जो है छोटे छोटे लोगों से गठबंधन कर रहे हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे दूसरे लोग हो। तो आप अगर इतना कॉन्फिडेंस आपको है 400 के पार का, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? बोलता है हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति और देश की राजनीति के इर्द गिर्द लोकसभा का चुनाव, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश पे क्या घट रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उत्तर प्रदेश से आने वाले दल क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। चुनाव आचार संहिता अभी लगी नहीं है और उससे पहले का सस्पेंस ऐसा है कि बीजेपी के भीतर भी एक खलबली है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, वो कुछ ऐसा है जिसे अगर कर दिया गया, अगर जैसा संकेत मिल रहा है वैसा अगर हो गया तो देश की राजनीति बदल जाएगी। हमारे साथ केपी मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, इंडिया वर्सेस एनडीए ये तमाम बहस चल रही है और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और सब अपने अपने वादे, अपने अपनी चीजों को सामने रखकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। खबर ये कई दिनों से है सर्कुलेशन में कि सोनिया गांधी मायावती को लेकर सॉफ्ट हैं और उनको लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं, या मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं। शायद इंतजार चुनाव आचार संहिता का है या चुनाव आचार संहिता के करीब ये तमाम चीजें हो जाएंगी। इसमें आपको कितना इस तरह की खबरों में आपको कितना दम लग रहा है कि ऐसा संभव है कि मायावती अब तक जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे खामोशी है, क्या ये खामोशी किसी बड़े बवंडर, सियासी बवंडर के संकेत है? देखिए बेग साहब, जैसे आपने खुद इशारा किया है कि ये जो खामोशी है ये जताती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नहीं तो आप जानते हैं कि अगर इस तरह की चर्चा चलती है तो अभी तक मायावती का ट्वीट आ चुका होता या कांग्रेस खंडन कर चुकी होती या अखिलेश का कोई बयान इस पे आ गया होता। तो ये तीनों जो सियासी दल हैं इनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन ना आना इस खबर को पुख्ता करता है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अभी तक अपने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती ने नहीं की है, कांग्रेस की तरफ से अभी किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। दूसरा, जो चुनिंदा सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी को लड़ना ही है उन पर घोषणाएं की गई हैं, और वो घोषणाएं कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है। अगर एक दो जगह कोई लगेगा कि यहाँ किसी को चेंज करना है, बदलना है, तो हो जाएगा। तो ये जताता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है और लगता है कि अंदर काफी हद तक ये बात हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस खबर को लेकर सत्ते में है। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों से बात कर रही है, उनको साध रही है, उनको एनडीए में साथ ले रही है। यहाँ पे ये भी बात आती है,
तमाम विश्लेषक इस बात का भी जिक्र करते हैं कि एक और प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 के पार, और फिर आप जो है छोटे छोटे लोगों से गठबंधन कर रहे हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे दूसरे लोग हो। तो आप अगर इतना कॉन्फिडेंस आपको है 400 के पार का, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? अब कल जैसे दिल्ली में तेलुगु देशम से 2018 में गठबंधन टूट गया था, एनडीए से वो अलग हो गए थे, अब उनको वापस लाने की तैयारी तेलुगु देशम में हो रही है। तो उनके जो अध्यक्ष हैं वो कल शाम को उनकी मीटिंग हुई है जेपी नड्डा और अमित शाह से, तो ये जताता है कि एनडीए भी सत्ते में है। और मैं इसका सबसे बड़ा कारण बेग साहब ये मानता हूं कि पिछले दिनों जो बिहार में जातीय जनगणना, पिछड़े वर्ग का पता लगाना के क्या है, उससे दलित कहीं ना कहीं दलित का हौसला बढ़ा है और दलित कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत आतुर है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और तीसरी बात मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि आप ये इस चीज को देखेंगे कि चार बार मुख्यमंत्री मायावती, इतना बड़ा दल उत्तर प्रदेश में जिसका तूती बोलती थी, आज वो जीरो विधायक पर खड़ी हुई है, एक विधायक मात्र है, वो भी अपने बलबूते हैं, वो बसपा के सहयोग से बने हो मुझे भी इसमें लगता है। दूसरा 2014 के चुनाव में जीरो पे लोकसभा में आप आउट हो गए थे, अभी गठबंधन के साथ तीन दलों का गठबंधन था तो आप 10 जीत के आए थे, अगर इस बार आप अकेले लड़ेंगे तो फिर आप जीरो पे चले जाएंगे। और दलित का जो लगभग माना जाता है कि लगभग 22% वोट उत्तर प्रदेश में है और आप उस पर खिसक खिसक के आज 12 पे पहुंच गए हैं, और इस बार अगर आपने कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया तो आप 1.5 पर सिमट जाएंगे और ये आपका जो है आत्महत्या होगी, आपकी राजनीतिकल आत्महत्या होगी। तो इससे बचने के लिए मायावती इस तरह का कदम उठाएंगी, इसलिए मैं तो इसके लिए शोर शोर हूं जी मलिक साहब। लेकिन कैसे इस अगर मायावती आ भी जाती हैं इंडिया गठबंधन के साथ तो कितना फायदा दे पाएंगी? पिछली बार हमने देखा विधानसभा चुनाव में कैसा गठबंधन हुआ और फिर भी बीजेपी आ गई सत्ता में, तो क्या ये हो पाएगा गठबंधन कर देना और गठबंधन के जरिए कागज पर ये दिखाना कि हम बहुत मजबूत हैं? क्या ये मजबूती जमीन पर दिख पाएगी? उत्तर प्रदेश का गठबंधन किया, आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए और उसके बाद जो हालात बने हैं वो आपके सामने, कितना आप इसे मजबूत मानेंगे मायावती के आने के बाद इंडिया गठबंधन? देखिए मायावती का गठबंधन की जो आप बात विधानसभा की कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। आज देश में जिस प्रकार का परसेप्शन बना हुआ है और मायावती को अगर प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रधानमंत्री के रूप में दलित को प्रोजेक्ट करना, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने दलित को अध्यक्ष बनाया है, और आप एक चीज को और समझ लीजिए, आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि खड़गे के ऊपर तो तमाम सियासी दल आरोप प्रत्यारोप इस तरह का कुछ भी बोल सकते हैं, अगर मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती हैं तो उनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप किसी दूसरे सियासी दल की लगाने की कोई हिम्मत नहीं होगी। और आज भी आप माने चाहे ना माने, दलितों में मायावती का क्रेज है, और अगर वो देश के शीर्ष जो अम्बेडकर से लेके आज तक का सपना दलितों का रहा है कि दलित एक प्रधानमंत्री अगर देश में आए तो पूरे पूरे देश का दलित किसी भी तरह से लग जाएगा, और दलितों का एक बहुत बड़ा चंक पूरे भारत में है, और उसके साथ जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वोट है वो मुस्लिम समुदाय का है, तो ये इतना बड़ा चंक जो लगभग 40% पहुंच जाता है, तो इसको साधने के लिए कांग्रेस मायावती के साथ जा रही है? कोई कांग्रेस ऐसा हवाबाजी में जा रही है ऐसा नहीं है, और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है कि मायावती को अगर वो प्रधानमंत्री पद का प्रोजेक्ट कर देती है। मायावती से पहले भी बहुत अच्छे रिलेशन सोनिया गांधी के रहे हैं, अगर आप याद करें मेरे ख्याल से वो 2018 की बात है जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बेंगलोर में हुआ था और उसमें मायावती सोनिया के जिस तरह से मुलाकात हुई थी तो वो जताता है कि सोनिया गांधी के और मायावती के संबंध अच्छे हैं और बीच में कोई कटुता की बात नहीं आई, एक दूसरे पर कोई ऐसी टिप्पणी हुई हो मुझे याद नहीं आता कि मायावती की ओर से कांग्रेस के किसी राहुल गांधी पे या राहुल गांधी परिवार पे कोई इस तरह की टिप्पणी की गई हो या गांधी परिवार की तरफ से मायावती कोई टिप्पणी हुई हो, मुझे याद नहीं आता।
सर ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का एक दलित फेस होना और मायावती अगर उम्मीदवार बन जाती हैं तो उनका एक दलित फेस होना, दक्षिण और उत्तर पूरे भारत के दलित समीकरण को साधने के लिए काफी रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता दक्षिण भारत में जितनी है उत्तर भारत में उतनी नहीं आकी जा सकती, लेकिन मायावती की लोकप्रियता उत्तर भारत में जिस हद तक है वो थोड़ा बहुत कम बढ़ती, लेकिन दक्षिण भारत में भी वो है दलित वोट बैंक को साधने की हैसियत पे। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती एक साथ जब आएंगे कि मायावती सीएम उम्मीदवार हैं और जिस पार्टी ने उनका समर्थन किया कांग्रेस उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाएगा। क्या इस तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, इसी बात की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता जी पार्टी को इसी बात की चिंता है, अगर ये हो जाता है तो ये देश की जी राजनीति का जो परिदृश्य है उसको बदल देगा। और आप ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट में इनके रहेंगे, इनके पीछे खड़े रहेंगे। ठीक तो ठीक जो साउथ जी साउथ का जो दलित समुदाय है जी वो 100% मायावती को वोट करेगा, और मायावती के नाम पे किसी को, दलित को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काशीराम की प्रतिनिधि हैं, काशीराम की जो लालटेन है उसको लेके आगे चल रही हैं, दलितों को रोशनी दिखाने का काम कर रही हैं। अब पिछले दिनों वो चुपचाप बैठी हैं, उनकी क्या मजबूरियां रही हैं, उत्तर प्रदेश में क्या चीजें हुई हैं, अगर हम उसको छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश के बाहर आज जी भी मायावती का क्रेज कोई कम नहीं है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरी जगह भी देखें, भले ही वोट फीसदी कम रहा है, लेकिन मायावती का 1% वोट हर स्टेट में है। तो वो स्टेट में जब उनको ठीक दिखेगा कि आज हम सत्ता में आ रहे हैं, वो दलित समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के पास भी जाएंगे कि भैया हम लगातार आपको वोट करते हैं, एक बार आप हमें वोट करिए। तो माहौल देश में दूसरा बनेगा। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं के मामले में अगर आप देख होंगी, अब सोनिया गांधी मंच पे होंगी नहीं होंगी, उनका स्वास्थ्य ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मायावती के जी साथ हर मंच पर प्रियंका गांधी दिखाई देंगी तो मुझे लगता है माहौल जी दूसरा होगा। ठीक है बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर ये कहा कि हमने आधी आबादी को न्याय दिया, लेकिन दरअसल मायावती का सीएम कैंडिडेट होना, एक तो दलित फेस, ऊपर से ये एक वेटेज कि वो एक महिला उम्मीदवार हैं, ये एक तरह से डबल कहते हैं दो धारी तलवार का काम कर जाएगा सियासत में। क्योंकि बीजेपी के पास दलित की काट क्या है ये अभी तक बीजेपी नहीं समझा पाएगी, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इतना व्यापक और सर्वव्यापी हो गया है कि उसके आगे या पीछे वो सोच नहीं रहे। ऐसे में मायावती एक तरह से इंतजार क्या इस बात का है कि चुनाव आचार संहिता लगे उसके बाद इस चीज को सामने लाया जाए? देखिए बेग साहब, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी इन सब जी तमाम चीजों में शाम दाम दंड भेद करती है, और आपने देखा है कि किस प्रकार दूसरे अलाइजों को तोड़ के लाया गया है, या क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। नीतीश कुमार के मामले में आप देख जी सकते हैं, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे वो किन परिस्थितियों में गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जा पाए हैं, किस तरह से एजेंसी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे मायावती इसकी सोच की रही हो, कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई इस तरह का प्रोपगेंडा या इस तरह का कोई हथियार तो यूज नहीं कर लेगी, उससे बचने के लिए अभी समय को थोड़ा टाला जा रहा है। और मुझे लगता है तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि ये भी पता है कि अगर आचार संहिता लगने के बाद मायावती को इस प्रकार की घोषणा करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जी जनता पार्टी की हिम्मत पड़ेगी कि उनके अध्यक्ष को इस तरह की बात करें। तो इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे तमाम बातें, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर ये जी सिर्फ सोशल मीडिया की या किसी मीडिया के, हम जैसे पत्रकार के दिमाग की उपज होती, तो अभी तक इस पे खंडन आ चुके होते पार्टियों की तरफ से। मायावती का चुप्पी साधना, कांग्रेस का चुप्पी साधना, अखिलेश का कुछ नहीं बोलना और सीटों का घोषणा नहीं होना, ये जताता है कि इस खबर में दम है। लेकिन ऐसे में क्या मलिक साहब ये भी संभव है कि अगर मायावती के कैंडिडेचर का ऐलान हुआ
तो उधर वो जो तमाम छोटे दल जो बिहार के जैसे रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी जो खुद दलित राजनीति या उस पर उसकी बात करती है, वो लोग भी छिटक सकते हैं क्योंकि उनको वहां मन माफिक जो सीटें वो मांग रहे हैं वो मिल नहीं पा रही हैं और उसके आगे वो कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन अगर मायावती का के नाम का ऐलान हो जाता है तो एक एक सपोर्ट होगा कि देखिए हम इस नाम पर कि मायावती को एक दलित चेहरे को एनडीए इंडिया गठबंधन ने आगे किया है इसलिए हम वहां जा रहे हैं, क्या ये एक बहाना भी मिल जाएगा उन दलों को जो बीजेपी में छटपट एनडीए के साथ छटपटा तो रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं, खबरें अभी हमारे पास ये आ रही है बिहार से कि चिराग पासवान की एक मीटिंग जो है जी उस जो लालू यादव का लड़का है उससे हो चुकी है और वो अंत में वो भी आचार संहिता लगने का वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उनकी तो ऑलरेडी गठबंधन में बात चल रही है और मायावती के आने से तो उनका शॉर्ट शॉर्ट मामला फिट हो जाएगा। दलित दाएं बाएं जा भी रहा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मूड बना भी रहा है तो वो तो एकदम वापस आ जाएगा फिर। और जितनी सीटें पासवान के कोटे में आएंगी तो चिराग उनके विजयी होंगे सब पे, तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उसमें उनको कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई दूसरे पिछड़े दल की कोई पार्टी है या कोई दलित चेहरे वाली कोई छोटी पार्टी है, चंद्रशेखर जैसे लोग हैं, ये खुद महागठबंधन के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और इनको जितना ये सोचते हैं उससे कहीं अधिक इनको फायदा मायावती के पीएम कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन सर जयंत चौधरी को आप किस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मायावती का एक गढ़ माना जाता है, अच्छा खासा वोट बैंक है उनका वहां पर और अगर यह ऐलान हो गया मायावती के नाम का तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी अपनी सबसे ज्यादा सीटों के ऐलान की तैयारी कर रही है वहां उसको झटका लगेगा और झटका क्या ये जयंत चौधरी के लिए भी होगा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। देखिए जयंत चौधरी जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019, 2022 इन सारे तमाम इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहे और लगातार वो किसानों की आवाज उठाते रहे और उसके बाद वो लगातार तमाम किसानों के मुद्दे उठाते रहे और जो जो घटनाएं हुई जैसे जंतर मंतर पे महिलाओं के साथ वो घटना हुई थी उसमें लगातार जाते रहे, तो ये दिखाता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं और उसका नतीजा भी उनको मिला। 2022 के चुनाव में अगर आप देखेंगे जहां उनका जीरो विधायक होते थे वहां उनके 9 विधायक चुन के आए और वो यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट था या जो विरोधी किसान थे उन्होंने उनको वोट दिया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसमें हम भी ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जयंत चौधरी जाके किसानों का कामगारों का जो कमेरे हैं मजदूर हैं अगर उनका कुछ भला करवा पाते हैं तो उनको जाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जयंत चौधरी वहां गए हैं और उन्होंने अभी तक जिस तरह के निर्णय लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा निर्णय, उनका बहुत खराब निर्णय है कि खुद बागपत से ना लड़ना। दूसरा, उन्होंने जिस प्रकार से दलित को मंत्री बनाया है तो मुझे लगता है ये उनके दिमाग की उपज नहीं है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला है इसीलिए उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के एमएलए को मंत्री बनाया है और वो मंत्री भी समाजवादी पार्टी के विधायक माने जाते हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे लड़े थे। तो जयंत चौधरी वहां जाके फंस गए हैं और जयंत चौधरी वहां रहेंगे और ये घटना अगर हो जाती है इससे बड़ा नुकसान जयंत चौधरी को होगा। जयंत चौधरी वहां मांग करने गए थे कि जाटों को आरक्षण मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलेगा और जो अजय टेनी है जो अपराधी माने जाते हैं उनका लड़का जेल में है जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उनको सजा मिलेगी, उनको हटाया जाएगा या ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी में लेके जयंत चौधरी गए थे और आज उनकी इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रह गया तो इसका नुकसान जयंत चौधरी को होगा। मुझे कल एक इंटरव्यू भी उन्होंने किसी चैनल पे दिया है और उसमें उन्होंने एमएसपी को घुमा के बात की है और उन्होंने कहा नहीं नहीं एफसीआई को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, एफसीआई घाटे में चल रही है, तो अब वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और किसान जो है उस चीज से बड़ा नाराज उनसे है तो उनको तो कोई भी सूरत रहे आने वाले चुनाव में मुझे नुकसान ही दिखाई देता है। जी
बहुत शुक्रिया मलिक साहब बोलते हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए और देश में होने वाली इस बड़ी सियासी खबर को सही ढंग से विश्लेषित करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।